अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल ऑफ यू आर फाइन। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 10 ऑफ सोशल स्टडीज़, चैप्टर नंबर 14, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। टुडे वी विल सॉल्व इट्स वर्क पेज नंबर 120 एंड 121। सो ओपन योर बुक्स ऑफ सोशल स्टडीज़ एट पेज नंबर 120 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सोशल स्टडीज़ पेज नंबर 120। राइट आउट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स राइट डाउन करें। द नेम ऑफ द पुर्तगीज मैन हु फर्स्ट रीच द सब कॉन्टिनेंट। पुर्तगाली आदमी जो सबसे पहले बरेसगीर में आया था उसका क्या नाम था? वास्को डे गामा। द ईयर इन विच ही अराइव्ड इन इंडिया। कौन सी साल में वास्को डे गामा इंडिया में आया था? 1498 में। द नेम ऑफ द इंग्लिश एम्बेसिडर टू द मुगल कोर्ट। जो इंग्लिश एम्बेसिडर सबसे पहले आया था मुगल कोर्ट में, मुगल एम्पायर जो था वहाँ पर, उसका क्या नाम था? थॉमस रो। द नेम ऑफ द इंग्लिश मोनार्क हु ग्रांटेड द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश मोनार्क जो थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर जो था वो उसको उसकी परमिशन दी थी, उनका क्या नाम था? क्वीन एलिजबेथ वन। द डेट ऑफ द चार्टर, चार्टर की डेट क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर जो दिया गया था दिसंबर 1600 में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे और इनके ये शॉर्ट आंसर्स। नेक्स्ट है बी, कंप्लीट दिस टाइम लाइन बाई राइटिंग द करेक्ट डेट्स। इस टाइम लाइन को कंप्लीट करना है, आपने करेक्ट डेट्स लिखनी है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी 1857 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बरतानवी हुकूमत ने इंडिया पर जब कंट्रोल हासिल किया वो क्या था? द मिडल ऑफ 19th century, 19वीं सदी का द मिडल, दरमियानी हिस्सा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सेटअप। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज़ ऑर्गेनाइज। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ऑर्गेनाइज किया गया? कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई? 1906 में। द अलाहाबाद रेजोल्यूशन बाई इलामा इकबाल। इलामा इकबाल ने जो अलाहाबाद में रेजोल्यूशन जो रिप्रेजेंट किया था वो कब किया था? 1930 में, 1930 में। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट लाहौर। लाहौर में जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कब हुई थी? 23rd March 1940। एम ए आर सी एच मार्च है, 23 मार्च 1940 को। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1942 में। पाकिस्तान इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा कब? 14th अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया कब आज़ाद हुआ? 15th अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है जी, ये डेट्स हैं, आपने यहाँ पर ये राइट डाउन करनी है। वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए, इसको फिल कीजिए, फिर नेक्स्ट आप सुनिएगा। ओके, पार्ट सी, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट फाइल्स ऑफ इलामा इकबाल एंड कायदे आज़म। इलामा इकबाल और कायदे आज़म की फैक्ट फाइल्स दी गई है, इसको आपने कंप्लीट करना है। नेम पहले मोहम्मद अली जिन्ना का कर लेते हैं। टाइटल कायदे आज़म, कायदे आज़म इनका टाइटल था, है भी। डेट ऑफ बर्थ आपका पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को, 25 दिसंबर 1876 को। डेट ऑफ डेथ कब आपकी डेथ हुई? 11 सितंबर 1948, 11 सितंबर 1948 को। ही वॉज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस हैं? फादर ऑफ नेशन, कौम के वालिद के नाम से, कौम के बाप। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए? कराची पाकिस्तान में। और प्लेस ऑफ डेथ कहाँ इनकी वफात हुई? कराची पाकिस्तान में। ठीक है, वीडियो को अगेन यहीं पे पॉज कीजिए और फिर ये नोट करके फिर नेक्स्ट सुनिएगा। पार्ट टू, नेम मोहम्मद इकबाल। टाइटल क्या था आपका? सर मोहम्मद इकबाल, मतलब ग्रेट स्कॉलर, अजीम स्कॉलर। डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपकी? 9th November 1877, 9 नवंबर 1877। डेट ऑफ डेथ आपकी वफात की तारीख क्या थी? 21st April 1938, मतलब 21 अप्रैल 1938। ही वॉज फेमस फॉर, आप किस लिए, आप किस नाम से या किसने मशहूर थे? ग्रेट लीडर, अजीम लीडर के नाम से। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? सियालकोट पाकिस्तान, पाकिस्तान सियालकोट में पैदा हुए। और प्लेस ऑफ डेथ आपकी, प्लेस ऑफ डेथ क्या है जब आपकी डेथ हुई? लाहौर पाकिस्तान, लाहौर में पाकिस्तान में। ओके,
डायरी सॉल्व वर्क पेजेस ऑफ चैप्टर नंबर 14 ऑन पेज 120-121 एंड लर्न। आपने ये वर्क पेजेस जो हैं 120 एंड 121 इनको अपनी बुक पर सॉल्व करना है और फिर इस कंप्लीट वर्क को आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।